बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलें स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके लिए लिया है 1 किलो के करीब चिकन का गोश्त। ये आप मटन और बीफ में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन में बनाया है और चिकन की मैंने बड़ी बोटी रखी है। 1/2 किलो आलू लिया है मैंने और जिसे स्लाइसिस में मैंने कट किया है। पांच अदद टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। 5 से 6 हरी मिर्ची लिए हैं मैंने ग्रीन वाली। 8 से 10 आपने मीडियम साइज़ के प्याज लेने, जिन्हें इस तरह से आपने स्लाइसेस में कट करना है, बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में कट करना है, क्योंकि आपने प्याज को ब्राउन करना है। अब हम चलते हैं अपने मसालों की जानब। मसालों में हम डिटेल में बात करेंगे। 4 टीस्पून के करीब मैंने लिया है कोरमा मसाला पाउडर। 1/2 टीस्पून के करीब मैंने लिया है गर्म मसाला पाउडर। 1 टीस्पून के करीब मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा पाउडर। 1 टीस्पून मैंने लिया है हल्दी पाउडर एंड 1.5 टीस्पून मैंने लिया है सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। 2 टीस्पून के करीब मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मेरा फ्रीज हुआ है अदरक लहसुन का पेस्ट है। अब हम चलते हैं अपने सॉस पैन की जानिब। सॉस पैन में मैंने शामिल किया है 2 कप के करीब ऑयल। आपने 2 कप के करीब ऑयल शामिल करना है और ऑयल के गर्म होने के बाद आपने इसमें शामिल कर देना है कटे हुए प्याज, और कटे हुए प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन फ्राई करके सेपरेटली निकाल लेना है। जब आपकी प्याज इस तरह से गोल्डन हो जाए तो आपने सेपरेटली इसे बाहर निकाल लेना है सॉस पैन से। और अब हम चलते हैं अपने सॉस पैन की जानिब। उसी ऑयल में आपने शामिल कर देना है कटे हुए आलू और अच्छी तरह से अब आपने आलूओं को फ्राई करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपने अच्छी तरह से आलू को फ्राई करना है। आलू को जब हम फ्राई करते हैं ऑयल में तो इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है, तो आपने आलू को ज़रूर फ्राई करना है। और अब आपने इसमें शामिल करना है 3 मिनट के बाद चिकन को, और अच्छी तरह से अब आपने चिकन को ऑयल में फ्राई करना है। चिकन को जब ऑयल में आप फ्राई करते हैं तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है ऑयल चिकन में, तो आपने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। और फ्राई करने के साथ साथ आपने इसमें शामिल करना है सॉल्ट। जब आप फ्राई करते हुए सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो आलू और चिकन में सॉल्ट अच्छी तरह से रच बस जाते हैं, नमक अच्छी तरह से आपके गोश्त और आलू में जज्ब हो जाता है। तो इस तरह से आपने आलू और गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करना है और इसमें सॉल्ट का इस्तेमाल करना है 1.5 टीस्पून। और उसके बाद जब लाइट लाइट से आपके चिकन का कलर चेंज होने लगे तो आपने इसमें अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल कर देना है। और अब आपने अदरक लहसुन के पेस्ट में अच्छी तरह से चिकन की भुनाई करनी है चिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि चिकन में बेसिंदापन होता है, तो उसके लिए आपने अदरक लहसुन का पेस्ट का इस्तेमाल करना है। प्रॉपर चिकन के कलर चेंज होने के बाद आपने इसमें टमाटर कट करके शामिल करने हैं और हरी मिर्ची, और टमाटर को आपने भाप में गलाना है इस तरह से। आप देख सकते हैं कि चिकन से और टमाटर से कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ हुआ है। अभी मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया है और टमाटर कितनी अच्छी तरह से गल चुके हैं। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है मसालों को, और अब आपने मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है चिकन और आलू में, और अच्छी तरह से अब आपने मसालों की भुनाई होने देनी है 3 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह आपने मसालों की भुनाई करनी है। मसालों की भुनाई इस तरह से होती है कि आपके ऑयल ऊपर से नज़र आने लगे। ये देखें, इस तरह से आपके ऑयल ऊपर से नज़र आने लगे, और प्याज को इस तरह से आपने हाथों की मदद से मसलना है और इस तरह से आपने शामिल कर देना है। अब 1-2 बार इसे अच्छी तरह से और मिक्स करें। अब आप इसमें लगाएंगे शोरबा।
ये आपके ऊपर है कि आपको कितना थिक शोरबा चाहिए और कितना पतला शोरबा चाहिए। मैं इसमें तकरीबन 2 ग्लास के करीब पानी शामिल करूँगी क्योंकि मैं शोरबे को थोड़ा सा थिक रखूँगी। इस तरह से आपने 2 ग्लास पानी इसमें शामिल करना है और 20 मिनट मीडियम फ्लेम पे अब मैं इसे पकाऊंगी। ये 20 मिनट के बाद का रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं। 10 मिनट के बाद आपने इसे सर्व करना है ताकि ऑयल अच्छी तरह से ऊपर आने लगे। देखें जनाब, माशाल्लाह से कितना ही प्यारा लुक है हमारे आलू गोश्त के कोरमे का। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आप इससे ताफ्तान रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पराठों के साथ इंजॉय कर सकते हैं, सादी रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, चपाती के साथ इंजॉय कर सकते हैं, और मैं इसे इंजॉय करने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार राइस के साथ, बॉयल राइस के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।